अटैक पड़ने से हुई 52 वर्षीय युवक की मौत। आपको बता दें कि मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र के शकरपुरा गांव का है, जहां पर अटैक पड़ने से एक युवक की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि सुबह लक्ष्मी प्रसाद पुत्र रामनाथ उम्र 52 वर्ष निवासी शकरपुरा थाना पनवाड़ी की अचानक सुबह सीने में दर्द हुआ और उल्टी पलटी हुई, जिससे हम लोग तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने दूर से देखकर मरीज को रेफर कर दिया। वहीं डॉक्टर मनोज कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसके पहले किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया, जहां हालत बिगड़ते देख सीएससी पनवाड़ी लाया गया, जिसकी हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है, लेकिन तब तक लक्ष्मी प्रसाद ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पीएम को भेज दिया है। इस तरह अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम छा गया। वहीं महीनों तक अपने पीछे अपनी पत्नी और दो पुत्रियों को रोते छोड़ गया। क्या नाम है आप? मेरा नाम दीपक। अच्छा, कहाँ के रहने? राट का। अच्छा, तो यहाँ क्या घटना हुई आप? ये मेरे मामा हैं जो सरकपुरा गांव की निवासी हैं। इनको हार्ट अटैक आया था, तो उनको यहाँ सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी लेके आए, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने मना कर दिया देखने के लिए। इसके बाद जो एम्बुलेंस होती है उनको बोला गया कि मतलब एम्बुलेंस यहाँ से ले चलिए, क्योंकि डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया था, वो देखने के लिए मना कर रहे थे। वो कह रहे थे रेफ़र करना पड़ेगा, तो स्वास्थ्य कर्मी ने भी मना किया, और इसके बाद जो एम्बुलेंस थी उनने भी मना कर दिया। वो कह रहे कि हम यहाँ से बाहर नहीं जाते, और ऑक्सीजन भी नहीं थी, ऑक्सीजन ना होने के कारण उनकी मतलब घुटघुट के आत्मा मतलब उनका देहांत हो गया। क्या नाम था इनका? नाम था लक्ष्मी प्रसाद। अच्छा, उम्र? उम्र थी 52 वर्ष। 52 वर्ष। सर, अभी जो यहाँ एक पेशेंट ख़त्म हो गया है, क्या है वो? इस मरीज का नाम लक्ष्मी प्रसाद है जी, जिसकी उम्र 48 साल है, सरकपुरा से आया है। इसकी तबीयत सुबह से ख़राब थी, ये प्राइवेट में ले गए थे कहीं इलाज कराने। यहाँ पर जब लाए थे तो गंभीर हालत में था, इसको हमने जो है तुरंत रिफ़र कर दिया था एम्बुलेंस के लिए, लेकिन जो है वो ले जाने से पहले जो है यहाँ खराब हुआ। उनका कहना है कि वो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब एम्बुलेंस जब तक आई है उस टाइम तक वो पेशेंट काफ़ी सीरियस था, उसके सांसें बहुत धीमी चल रही थी, धड़कने नब्बे वगैरह काफ़ी धीमी थी। एम्बुलेंस में तो ऑक्सीजन थी, लेकिन जो है वो उसके पहले एक्सपायर हो गया। महोबा से जिला संवाददाता संतोष कौशिक की रिपोर्ट, UP 24 न्यूज़।